Oh my god! ये मुझे मिल गया, मैंने ढूंढ लिया। हमने ढूंढ लिया। तुम्हारे पापा को तुम पर गर्व होगा। ये कम से कम 400 साल पुराना है और 90% प्योर भी है। इसका एहसास एकदम मखमल की तरह है। ये सब समय का खेल था। मुझे तो लगता है कि ये आज तक की इतिहास की सबसे बड़ी सोने की खोज होगी। आदम युग की खोज इतिहास में सबसे बेहतरीन। अच्छा काम किया। कौन है? देखो तो कौन है? देखो, रुक जाओ। उन्हें वहीं रुकने को कहो। रुको, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको, 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 रुको। उसे मैं संभाल लूंगा, तुम बाकियों को देखो। उसे खत्म करके जल्दी आओ। हेनरी, ये सब क्या है? अपना फोन मुझे दो। आखिर तुम चाहते क्या? मैंने कहा अपना फोन मुझे दो। मुंह उधर करो, घूम जाओ। पैसे, तुम ये पैसों के लिए कर रहे हो ना? वो तुम्हें कंपनी दे देगी। जो मुझे चाहिए वो कंपनी नहीं दे सकती है। जल्दी आओ, जल्दी। आ रहा हूँ मैं, रुको, आ रहा हूँ। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारे पापा मेरे दोस्त थे, पर कुछ तो जरूरी है इसलिए फिलहाल इतना ही काफी है। चलो निकलो, निकलो यहां से। आ जाओ जल्दी। चलो चलो जल्दी बैठो। चार साल 7 महीने और 13 दिन। मिस्टर जैक रियोडैन, ये यही कह रहा है कि ब्लैक स्वान ऑपरेशन का टाइम हो गया है। तुम्हें पता है, मैं इस दरवाजे के बाहर बहुत से लोगों को आते जाते देखता हूं, पर एक हफ्ते से या एक महीने से शायद या एक साल में वो लोग वापस आ गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। उन्हें लगता है अगर पैसे चाहिए तो और भी चोरी करनी होगी। ये पैसा तुम्हें दोबारा जीने का मौका देगा और आशा करता हूं कि ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, ठीक है? ये तुम्हारी आजादी का फॉर्म है, अब तुम जा सकते हो। Thank you.
जोशी, तुमसे कोई मिलने आया है। जैक, ओह माय गॉड, अंदर आओ, आओ ना। तुम अंकल बन गए हो। उसका नाम हंस है। गुआनी चाहता था कि उसका नाम जॉर्ज रखे, लेकिन मैंने हंस रख दिया। वो इस मई में 3 साल का हो जाएगा। वो दादा दादी के पास है। हाँ, तुम उसे अभी नहीं, अगले हफ्ते मिल सकते हो। हाँ, चीयर्स। आराम से, तुम बहुत दिनों बाद बियर पी रहे हो। हाँ, अब बताओ तुम आगे क्या करने वाले हो जैक? बस करो। नहीं 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 नहीं, वो क्या है ना, तुम तो रेत में चलते चलते थक गए होगे ना, क्योंकि तुम तो खजाने के शिकारी हो। मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूं। मैं हमेशा से प्रोफेशनल था। मैं एक सैल्वेज कंपनी में काम कर रहा हूँ, कोई पेशे से शिकारी नहीं हूँ। पर ये सब खजाने के शिकारी करते हैं। बस भी करो। मैंने गलत कहा क्या? मैं 25 साल काम करके आज आराम की जिंदगी गुजार रहा हूँ, पर मैं जेल कभी नहीं गया। बस बहुत हो गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम किस तरह से बात कर रहे हो? कुछ कहने से पहले जरा सोचा करो। मैं जानता हूं पर वो एक क्रिमिनल है। पर वो मेरा भाई है। वो अपने काम की वजह से जेल गया था। जैक को ये नहीं पता था कि आर्कियोलॉजिस्ट की खोज को सरकार क्राइम मानती है, उसमें उसकी क्या गलती थी? उसने क्या किया मुझे उससे मतलब नहीं है। वो एक क्रिमिनल है जिसने आर्कियोलॉजी की आड़ में क्राइम किया है। तुम उसे अपने बेटे से दूर रखना। बड़ा जोरदार फ्यूनरल प्रोसेशन था। राजा तो मर गया ना, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है। हमारा बिजनेस है खजाने की खोज को सुरक्षित रखना। बहुत अजीब होगा अगर ये पता लगे कि 1000 सिक्के गायब हो गए। मीडिया इस बात को उछालेगी जरूर। तुम पर राष्ट्रद्रोह का इल्जाम लग सकता है। राष्ट्रद्रोह तो सिर्फ एक दिखावा है, राजा पैदा होते ही राजा होता है। ओ अच्छा, वैसे तुम्हारी बहन ये नहीं मानेगी। मेरी बहन के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस एक साइंटिस्ट है। पर उसे कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तुम्हारे पापा ने उसे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से कंपनी को नुकसान हो सकता है। नहीं, वो हमारी कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो नुकसान पहुंचाए। ये लड़ाई हमारे बीच इसी बोर्ड रूम में होगी, और मेरे पास मेरा बोर्ड रूम है। हाँ, पर मेरे पापा भी कमाल के हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गोलीबारी और समुद्री डाकुओं के बीच गुजार दी, और आखिर में उन्हें दोषी बना दिया गया। पर मुझे लगता है कि वो सही थे, क्योंकि जब मैं कंपनी को चलाऊंगा तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। मत भूलो कि तुम्हें डिप्लोमेटिक रहना है। उसके सीएफओ से बात करो, हेड ऑफ रिसर्च है, काबिल भी है। मैं हमेशा से उनके साथ डिप्लोमेटिक रहा हूं और आगे भी रहूंगा, लेकिन अब तो उन्हें मेरी नई ताकत के बारे में जानना होगा। सब कुछ बर्बाद करने के बाद तुमने मुझे कॉल करने की हिम्मत कैसे की? आज के बाद कभी मुझे कॉल मत करना। एक्सक्यूज मी, जो आप लोगों ने सिक्योरिटी हायर की है वो किसी काम की नहीं है। इससे अच्छे तो मेरे यहाँ के इंटर्न हैं। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमसे वो काम नहीं हो पाया। मैंने नीचे बैरल में कई लोडेड गन्स देखी थी। मुझे तो बस गोली लगने ही वाली थी, समझो। वही आदमी जो हमारे प्लान में फैमिली मेंबर बनकर आया था। अब इस बकवास के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मैं किसी को कुछ भी सिखाने के मूड में नहीं हूं। इस बात के लिए मुझे बहुत अफसोस है, सच में। लेकिन अब सीईओ मैं हूं, और तुमने इस कंपनी के करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए हैं। क्या तुम सीईओ नहीं हो सकते? मेव, मैं अर्नेस्ट बोल रहा हूँ। तुम्हारे पापा ने कुछ सिक्योरिटी इश्यूज रखे थे, और आज सीईओ का सिलेक्शन होना जरूरी था। मुझे अफसोस है तुम्हें थोड़ा देर से बता रहे हैं। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। मैं तुमसे बोर्ड रूम में लड़ूंगी और जीतूंगी। अब सीधे मीटिंग में मिलेंगे।
वो अपनी हद पार कर रही है। मतलब एक नए युग की शुरुआत है ये। एक बात तुम्हारे पापा की मुझे अच्छी लगती है, अपने खून को कभी नजरअंदाज मत करो। एक लीडर को अपनी ताकत हमेशा दिखानी चाहिए। फ्रांसिस ड्रेक को स्पेनिश लोगों पर रेड डालनी थी, हालांकि उसका सारा काम को कमांडर थॉमस डाउरी ने किया था। थॉमस डाउरी एक दिमाग वाला आदमी है, पढ़ाकू है, हमेशा जंग जीतता है, फिर भी कैप्टन ड्रेक है और आने वाले दिनों में उनमें से एक ही ऊपर जाएगा। फ्रांसिस ड्रेक के बारे में जो तुम्हारी दूर की सोच है उसकी मैं बहुत कद्र करता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि 21st सेंचुरी में हांगकांग ऐसा लॉजिक अपनाएगा। ये बकवास है। इस कंपनी को एक कैप्टन चाहिए। मेरी बहन कभी वोट डालने नहीं जाएगी क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी इतिहास को पढ़ने में लगा दी, जबकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसे समझने में लगाई है। चलो हो गया, हम ये सारा सामान माँ के घर से लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी से ट्रक कभी भी यहाँ आता ही होगा, मुझे जाना ही होगा। मैं हंस के साथ जाऊंगी। अब जो करो सोच समझ के करना। यहां से आ जाओ, सब कुछ यहीं पर है। ये तो आयका के पत्थर हैं। हाँ, ये तो मेसोपोटामियन है। ये सच्चाई में अकेडियन है, पर देखो ये सब यहीं करने वाली हो या अप्राइजल ऑफिस में जाकर करोगी? तुम इसे बेच रहे हो? तुम यूनिवर्सिटी से हो ना? आई एम सॉरी, मैं बस इस सब को खत्म करना चाहता हूं। मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं यहां तुम्हें ढूंढने आई हूं। तुम जैक रियोडन हो, है ना? I'm sorry, क्या मैं आपको जानता हूं? तुमने कभी इसे देखा है? ये डबल ईगल वाला एक सिक्का है, US मिनिस्ट्री द्वारा बनाया गया आखिरी सिक्का। शानदार है। '1933 में इसकी कीमत 1300 रुपीस थी। तुम जानते हो इसकी कीमत अब क्या है? देखो मैं नहीं जानता तुम्हें यहाँ से अपनी ऑफिस के लिए क्या क्या मिलेगा, पर मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए एक चोरी करो। एक्सक्यूज मी? देखो मैं वो नहीं हूँ जिसके तुम तलाश कर रही हो। मुझे लगा कि तुम जैक हो, इस आधुनिक दुनिया के सबसे बड़े खोजी, जिसने 100,000 गोल्ड कॉइन्स सिर्फ अपने बलबूते पर खोजे। इतने कॉइन्स तो राजा के मकबरे में भी नहीं होंगे। इन सबको खोजकर तुमने रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए तो जीते हो ना तुम। चुप रहो। तुम बेस्ट हो जैक। तुमने वो चीज ढूंढ निकाली है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। तुम्हें पता भी है ये सामान कितने का है? शांत हो जाओ। मैं यहाँ तुमसे कोई मजाक करने नहीं आई हूँ जैक, मैं इतिहास बनाने की बात कर रही हूँ। 50 साल पहले जहाँ खून बहा उस मिट्टी में बहुत सारा सोना है। पता नहीं मेरे किस काम के बारे में जानती हो, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। खजाने की अंतिम खोज में मुझे सिर्फ एक चीज मिली, वो थी जेल की काली कोठरी, अब और नहीं। हर आदमी की एक कीमत होती है। लगभग 450 करोड़ अब इसकी यही कीमत है।
हम इस अशांति के माहौल से सिर्फ 20 मिनट में निकल जाएंगे और वेस्टर्न सहारा सिर्फ 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। आई होप तुम्हें उड़ने से डर नहीं लगता। मैं उड़ने से नहीं डरता, बस उड़ना नहीं चाहता। तुम और मेरा भाई मैथ्यू ही इस जेट कंपनी में अपना अधिकार साबित कर सकते हो। डैड की मौत के बाद वो सब चीजों पर अपना अधिकार जमा चुका है। वैसे तुम उड़ने से डरते क्यों हो? सॉरी, पर रास्ते भर यही बात करने वाली हो। मैंने इसके लिए तुम्हें पैसे दिए हैं। हमारे पास बोर्ड मीटिंग से पहले 1 हफ्ता है उसे ढूंढने के लिए। 1 हफ्ता? तुम्हारा प्लान क्या है? अपराधी को ढूंढना और सोना हासिल करना। ये आखिरी जगह हो सकती है जहाँ हेनरी हमें मिल सकता है। हाँ, आखिर वो तुम्हारा पैसा है, पर मुझे गन चाहिए। गन नहीं मिलेगी। लगता है तुम भूल रही हो, हेनरी के पास गन थी। हेनरी ने मुझे मारा नहीं, मुझे जिंदा छोड़ दिया। हम लोकल अथॉरिटीज के पास जा रहे हैं जैक। जल्दी करो, हमें पुलिस चीफ से मिलने जाना है। हेनरी गगनन के हमारे परिवार में काफी सालों से काम करता था। हमने इसे कभी नहीं देखा और ना ही इसे पहचानते हैं। ये यहीं पर है, मैं उसके साथ यहाँ महीनों रही हूँ। इसका मतलब आप हमसे पहले ढूंढ लोगी? लगता है प्लान यहीं फेल हो गया। मुझे इनसे कुछ और सवाल पूछने हैं। मैं बाहर रुकता हूँ। हुआ सर, क्या बात है? क्या कर रहे हो? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? पीछा कर रहे हो हमारा? मैं देख रहा था। अच्छा छोड़। अब बताओ क्यों पीछा कर रहे थे हमारा? जैक, छोड़ दो उसे। hey, जाने दो उसे। फारुख, जो हुआ उसके लिए सॉरी, हम दोनों जा रहे हैं। ओके okay? अच्छा है, चलो चलते हैं। सुनो, ये जगह विदेशियों के लिए खतरनाक है। हम ध्यान रखेंगे, हम जा रहे हैं। ए, किसी पुलिस वाले को परेशान करना यहाँ एक बड़ी समस्या है। तुम्हारी बहन रेगिस्तान से वापस आ चुकी है, उसे लगता है वो जासूसी कर सकती है। मैंने यहाँ उसकी सारी जिम्मेदारियां बता दी। उसे लगता है वो कुछ भूल रही है। तुम मेव को जानते ही हो। मेव अगर कुछ बिगाड़ेगी तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे वो ऐसा कुछ ना कर सके। आसान तरीका है, उसका अकाउंट बंद कर दो। पैसे नहीं होंगे तो घर आके मिलेगी। मेरा अकाउंट बंद कर दिया है, अब मैं क्या करूं? अच्छा, वो पहले ही पैसे ले लिए मैंने। किस लिए? यहाँ पुलिस वालों से उलझने के लिए? हाँ, उसके लिए भी तो तुमने उन्हें पैसे दिए। तुम कुछ पीना चाहोगे? कुछ नहीं हो सकता, बिना पैसे ये मिशन पूरा नहीं होगा। प्लेन को वापस भेज देते हैं। मैथ्यू मुझे बोर्ड के सामने हारा हुआ इंसान साबित करना चाहता है। अब मुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता।
मैथ्यू ठीक ही कह रहा था, मेरा सब कुछ दांव पर लगा है। मेरे पास एक चीज है, मैंने उसका फोन चुरा लिया है। इसमें लास्ट डायल नंबर देखो, हांगकांग। कोई छोटी आंखों वाला दिखा नहीं, तुमने देखा? तो करोड़ों रुपए के सोने की कीमत कुछ नहीं होती अगर आप उसे बेच नहीं सकते। ये लेक्चर देना बंद करो, बताओ प्लान क्या है। दुनिया के सबसे बड़े काले बाजार में चलते हैं, वहां तुम्हारा सोना ढूंढेंगे और दोबारा चुरा लेंगे। जैक, मैंने तुम्हें 100 करोड़ रुपए दिए हैं सिर्फ ये बताने के लिए? मेरा अकाउंट बंद कर दिया गया है जैक। देखो, अब यह मैं अपने हिसाब से करता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो इसमें हमारी मदद करेंगे। और वो सोना इस वक्त हांगकांग के काले बाजार में होगा, है ना? मिडिल ईस्ट के बिल्कुल मिडिल में, गोल्डन सिटी, दुबई। मिस एडम्स, कंपनी हमें वापस बुला रही है, 20 मिनट में प्लेन टेक ऑफ करेगा। मुझे लगता है तुम्हें चुनाव करना होगा। एक और चीज, इस मिशन में मुझे गन की जरूरत पड़ेगी। खुशकिस्मत हो कि वो वापस लौट गई, अब वो इस मिशन पर नहीं है। अच्छा है उसने हमारा काम आसान कर दिया। मैं चाहता हूं वो मीटिंग में ना आए। सबसे पहले यहाँ मेरे एक दोस्त शेख अली से मिलना होगा। वो थोड़ा सा सनकी है लेकिन पुरानी चीजें कलेक्ट करने में वो मास्टर आदमी है। जैक हबीबी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझे लग रहा है तुम किसी बड़े काम को अंजाम देने आए हो। वक्त पर आए हो तुम, तुम्हारी बेगम वहां पर आराम कर सकती है। ये शानदार जानवर दुनिया में सिर्फ कुछ ही बचे हैं। मैंने इसे पोकर टूर्नामेंट में जीता था मैराकेश में। शानदार है ना? आ जाओ। अच्छा, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस कैसा? बिजनेस, सरकार यहाँ हर माद में घात लगाए बैठी है। सब मंदी चल रही है। सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को जासूसी का काम दे रखा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हम सही वक्त पर आए हैं। हाँ, तभी तो तुम्हें देखकर मैं सरप्राइज भी हो गया था। वैसे भी यहाँ काफी दिनों से ब्लैक स्वान कंपनी जासूसी कर रही है, इसलिए अपने ट्रॉफी रूम के लिए कुछ नहीं ला सका। कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई भी नहीं? हाँ, हांगकांग के एक शख्स ने एक बात कही थी, एक बेवकूफ काफी होता है काला बाजार में पैसे खर्च करने के लिए, पर लोगों का मानना है कि ऐसा जापानीज कहते हैं। लेकिन मैं नहीं कहता, इस बिजनेस में यही अफवाह। आओ, इसका नाम है अराब। ये एक शिकारी पक्षी है। इस पक्षी को देखो, शिकार करने का इनका तरीका हमेशा एक ही होता है, घात लगाकर। यही ऊपर वाले का दस्तूर है जीने के लिए शिकार करना। मैं गल्फ में पार्टी करने वाला हूं जहां बहुत से लोग तुम्हारे काम आएंगे, समझ गए तुम? ये अच्छा आइडिया नहीं लग रहा है। मैं तुम्हारी कमजोरी जानता हूं। अब तुम कहां उड़ने वाले हो? अब मैं उड़ूंगा नहीं, अब मैं ड्राइव करूंगा, मैं बाइक चलाऊंगा। अच्छा है। तुम आ रही हो? मैं यही ठीक हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आप लोग खजाने का इतिहास जानने यहाँ आए हैं?
तो आपको पता होना चाहिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। इतिहास। जब मैं पहली बार इससे मिली थी तो जैक बहुत शांत था। ये और इसके दोस्त शानदार थे, हमेशा रिसर्च में लगे रहते थे। हम पुरानी यादें ताजा करने नहीं आए हैं, हमें भविष्य की कुछ बातें करनी है। पास्ट हमेशा हमारे साथ रहता है जैक, तुम्हारी यही प्रॉब्लम थी। एक स्टूडेंट और एक आर्कियोलॉजिस्ट का एक ही विजन होना चाहिए, उसमें सब्र कभी नहीं खोना चाहिए। मुझे लगता है इसीलिए मैं यहाँ हूँ। अब मैं सब सुधारना चाहता हूँ। इस बार कौन सा खजाना ढूंढ रहे हो? हम एलिजाबेथ की 16वीं सदी के खजाने की खोज में हैं। मैंने इस बारे में काफी अफवाहें सुनी हैं, पर मैं अपनी हद पार नहीं कर सकती जैक। वो विटमैन की बुक लाना। तो लगता है ये मुझसे कोई गलत काम करवाएगा। जेल जाने की वजह से? क्योंकि वो आर्कियोलॉजी के बेहतरीन नियमों को ही भूल गया है। इसका काम करने से इतिहास बनता है, ना कि किसी इंसान को गलत साबित करता है। पर जैक बहुत जल्दी भटक जाता है, इसीलिए भाग्य उसका साथ नहीं देता। पर शोहरत तो बाद में मिलती है। तुम्हें उसकी इन कमियों को सुधारना होगा। मैं इसके बारे में नहीं जानती। मिल गई मुझे ढेर सारा सोना जो हमारी आंखें देख सकती हैं। सोने के सिक्के, कंगन और गहने, ये सब इंका के मकबरे में हैं। मक्खियों का रहस्यमय ढेर। आज मेरा भांजा बीच पर कुछ ऐसी चीजें लाने वाला है जिससे सोने की खोज में मदद मिल सकती है। जो सोना हमें मिला था वो इनकन था। ये एक स्पेन का धार्मिक चिन्ह है। आप खुद देख लीजिए। ओह माय गॉड, यही तो है ड्रेक। पर ये वेस्टर्न सहारा में क्या कर रहा है? क्योंकि वो लोग इसे कैनरी आइलैंड पर ले गए हैं। उन्हें पता है स्पेनिश लोगों को जहाज की जरूरत है। ये जानते हुए वो लोग खजाने को छोड़कर वेस्टर्न सहारा की तरफ लौट जाएंगे। उम्मीद है वो लोग वापस आएंगे और हम उनका वही इंतजार करेंगे। मुझे नहीं पता था तुम इतनी खूबसूरत हो, पर तुम तो कमाल की लड़की हो। एक नशा सा है तुम में, और ये नशा मुझे मदहोश कर रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हें अच्छा लग रहा है? इसे भी अभी कॉल करना था। अब बोलो। ये मत कहना कि वो दुबई में है, क्या पता है उसको। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कहा था वो घर चली जाएगी, लेकिन वो बाहर जा रही है। देखो ध्यान रखना, मेरी बहन सारा राज खोल देगी। ए! तुम्हारा नाम क्या है? शू। तुम शहर के बाहर भी काम करती हो? हम होटल क्यों चेंज कर रहे हैं? इस शहर में सारे होटल, सारे दरबान और सारे ड्राइवर्स, सबको पता है तुम कब और क्या करने वाली हो। ठीक उस कार की तरह जो लगातार एयरपोर्ट से हमारा पीछा कर रही है। हमें होटल की तरफ ले चलो। हाय। यहां सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है। ये तुम्हारे लिए एक सोफे का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तुमने मेरा नाम इनको बताया? बताना चाहिए था। मेरी चाबी कहाँ है? ये रही तुम्हारी चाबी, मैं एलिवेटर से आती हूँ।
तुम आखिर हो कौन और बताओ कि हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? बाहर जाओ। इसकी कार ले लो। सर आप ड्राइव करेंगे? नहीं मैडम करेंगी ड्राइविंग। थैंक यू। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हाँ उसका नाम है असम। इसके GPRS में देखो इससे पहले ये कहाँ गया था। गोल्ड सूख गया था। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है वो। हमारी शुरुआत के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैंने कहा था ना इस शहर में हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। कम से कम ड्राइवर पर तो नहीं। जो अब मैं हूँ। एक बर्नर है इसमें सिर्फ एक ही फोन नंबर है। तुम कार में ही रुको मैं इसे अपने तरीके से करूंगा।
नहीं। ठीक है। ये असाम कौन है? किसके लिए काम करते हो तुम? जल्दी अपना नाम बताओ, मुझे तुम्हारा नाम जानना है। जापानीज नहीं, मुझे उसका नाम जानना है, तुम बता सकते हो? जापानीज। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे उसका नाम बताओ। तुमसे कहा था ना कि कार में रुकना, जल्दी से मुझे कीज दो, मुझे कीज दो जल्दी। चलो आओ। कोई और भी है जो काले बाजार से बड़े अमाउंट में पुरानी चीजें खरीदने निकला है, और यहाँ सभी जानते हैं कि वो जापानीज है। हमारा दोस्त जब वापस आएगा तो हमें और भी राज पता चलेंगे। मैं मदद करना चाहती थी, अगर मुझे सब पता हो तो भी क्या हो सकता है? अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जानती हो मैं अकेले काम क्यों करता हूँ? मुझे कोई साथी नहीं चाहिए। एक साथी तो होना ही चाहिए। तुम्हें शेख के यहां जाने के लिए इसकी जरूरत होगी। ये ठंड के लिए है या हमें अंडर कवर रखने के लिए? मुझे लगता है हमें यहीं से अपना रास्ता बनाना होगा, पर मैं खुश हूं कि तुम बहुत जल्दी क्राइम की दुनिया को समझ गई। मैंने ये काबिल इंसान से सीखा है। इसके लिए भी पार्क करने वाले होते हैं? यहाँ हर चीज के लिए लोग हैं। न्यू ईयर है भाई, सबसे अच्छा टाइम होता है दोस्त बनाने का। सुनो, वो लोग 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। सोने की कालाबाजारी करने वाले बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। 2000 करोड़ का सोना सिर्फ कंपाउंड में पड़ा है। सब मौजूद है, ड्रग डीलर, मर्डरर, सिपाह सलार, आतंकवादी। तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? क्या ये काम कर रहा है? मिस्टर रेडन, आखिर बाइक ने अपने राइडर को चुन ही लिया। आशा करता हूँ कि आज की शाम तुम्हारे लिए बेहतरीन होगी। अच्छा है तुम मुझे जानते हो, मैं ये सब नहीं करता। क्या आज यहाँ जापान के खरीदार आ रहे हैं? मेव, तुम यहाँ हो? कैसी हो तुम मेरी प्यारी बहना? मतलब की बात करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, आजकल बहुत काम रहता है। क्या है कि मैं कंपनी का CEO हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, सो एक्सक्यूज मी। कोई मदद चाहिए? वैसे मैं अपनी बहन के सारे दोस्तों को जानता हूं, पर हम दोस्त नहीं है। बेशक, क्योंकि तुम उसके टाइप के तो बिल्कुल नहीं हो। मुझे अंदाजा लगाने दो, उसने तुम्हें हायर किया होगा।
वो सोच रही होगी कि मेरा जो खजाना है वो कानूनी तौर पर उसका हो जाएगा तुम्हारी मदद से। लेकिन क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर पाओगे? मुझे लगता है मैं वो कर सकता हूँ जो कोई भी कानून नहीं कर सकता। ठीक है, देखते हैं। ब्रेसलेट बहुत अच्छा है तुम्हारा। हाँ, क्या मैं देख सकती हूँ? जरूर। क्या ये तुम्हारा है? वापस करो। ये तुम्हें मेरे भाई ने दिया है ना? मैं कहती हूँ वापस करो। आराम से, मैं बस इसके बारे में बात कर रही हूँ। ओके, तुम इसे लेना चाहती हो क्या? वैसे मेरी बहन तुम्हें कितना पैसा देती है? 10 लाख? 10 करोड़? या उसे कम? कम ही होगा, मुझे यकीन है। वैसे भी उसके पास कुछ ज्यादा पैसे बचे नहीं। अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो मैं तुम्हें अभी 2 करोड़ दे सकता हूँ। और तुम्हें इससे क्या मिलने वाला है? तुम जानते हो बिजनेस कैसे होता है। यहाँ पर सिर्फ खजाने के बारे में नहीं होता, इसके ऊपर भी कुछ चीजें होती हैं जिसका ध्यान हमें रखना पड़ता है। कनेक्शन बनाने पड़ते हैं हमें, तभी बिजनेस चल पाता है, वरना हम प्रॉफिट नहीं कर पाते। तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरी बहन ये सब झेल पाएगी? उसे ये सब आता भी है? CEO बन पाएगी? वो साफ दिल इंसान है। जब से ड्रेक का सोना गायब हुआ है तब से मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। अब पता चला तुम कौन हो, ड्रेक के दूसरे वारिस। बिल्कुल सही, हम दोनों अपनी जिंदगी शानदार तरीके से जी सकते हैं। उसके पास कंपनी का प्राइवेट लाइसेंस है, हालांकि मेरे पास भी। उसके पास द गोल्डन हाइंड जहाज है और मेरे पास मर्सिडीज का बेस्ट टॉप मॉडल है। लगता है तुम एक चीज भूल रहे हो कि ड्रेक पागल हो गया था और इसलिए उसने अपने दोस्त का सिर काटा था। अच्छा, मतलब तुम थॉमस डाउरी की बात कर रहे हो। वो उसके काफी करीब था। क्यों डाउरी, मेरा ऑफर मान लो। ले लो, तुम इसे ले लो। ये 500 साल पुराना है। इसका वक्त अच्छा नहीं था। हमें लात मारकर बाहर निकाल दिया। अच्छा हुआ, वैसे भी पार्टी वाहियात थी। नहीं, सच में किसे परवाह है जो उसने अपनी बाइक रख ली, लेकिन वो बाइक थी बहुत शानदार। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम अब जा कहां रही हो। वापस बुलाओ उसे। तुम अपने भाई के बारे में बात कर रही हो। वो पूरा पागल है, तुम्हें पता है। उसे लगता है वो दूसरा ड्रेक बनने वाला है। मुझे वो खजाना मिल गया है। ये तो हाथ का कंगन है, एकदम प्योर। ये शेख के पास था? नहीं, मेरे भाई की रखेल के पास। उसने उसके पास से चुराया था। इसका मतलब है कि सारा सोना मैथ्यू के पास है। हाँ, दूसरे ड्रेक के पास। अब हमें उसी का पीछा करना होगा। शिट।
वहाँ क्या हुआ? शेख ने उसे खुद बुलाया था। वो अर्नेस्ट को भी जानती है और मेव को सब पता है। पर कैसे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? अब ये तो मैं भी नहीं जानता कि वो कैसे जानती है। हमारा क्या होगा और कंपनी का क्या होगा? पता है, राज खुलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब वो भी जानती है कि मुझे सब पता है और अब मैं सब कुछ ठीक करने वाला हूँ। मैथ्यू, तुम नशे में हो। और सुनो, हम तुम्हारी बहन के बारे में बात कर रहे हैं। मैथ्यू, हमारा काम करने का तरीका ये नहीं है। तुम क्या चाहते हो, हम दोनों जेल चले जाएं? तुम फौरन यहाँ के सब ठीक करो, जो मिले उसकी रिपोर्ट करो, तभी कंपनी सही तरीके से काम कर पाएगी। पुरानी चीजों का होना जरूरी है। उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ से 2000 माइल्स के अंदर जो भी देश है वो इस काम के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे ढूंढूंगा और अपने साथ लाऊंगा। इसके लिए कानूनी इजाजत भी चाहिए मैथ्यू, और उसमें वक्त लगेगा, पर कंपनी के लिए यही अच्छा होगा। एक बात कहूं अनिस्ट, तुम ये कानूनी बातें अपने तक सीमित रखो। तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, पर तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, इस कंपनी को हम कहां ले जा सकते हैं। कभी कभी हमें दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो तुम चाहते क्या हो? मैं मेव को बाहर करना चाहता हूं, उसी के साथ थोड़ी साफ सफाई भी करना चाहता हूं। रूम नंबर 77, तुम्हें यह जगह तो पता है ना? मैथ्यू, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आज रात हम कुछ खास करने जा रहे हैं, कुछ अलग करेंगे। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। क्या तुम थॉमस डाउडी को जानती हो? जवाब दो। मैं जानता हूं तुम उसके बारे में नहीं जानती। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? तुमने चोरी की है, मेरी चीज चुराई है। चोरी की, मेरी चीज चुराई तुमने, मेरा सोना चुराया। तुम ठीक तो हो? काफी समय से खामोश हो। पापा की पत्रिका यूज करनी है। पत्रिका? पापा ने मुझे एक पत्रिका दी थी, मैंने अब तक पढ़ी नहीं है। हम चाहे तो उससे हर गुनाह सामने ला सकते हैं। आदमी की खोज कभी खत्म नहीं होती। वो पत्रिका स्विट्जरलैंड में मेरे नाम के एक अकाउंट में रखी है। वो मिलने पर तुम्हारे पैसे दे दूंगी और फिर तुम जा सकते हो। मुझे जॉब से निकाल रही हो? आप सोने के लिए किसी का नुकसान नहीं होगा। ये लड़ाई मेरे और मैथ्यू के बीच की है। सही है, वो तुम्हारा पैसा है। हाँ? कोई बात नहीं, सिर्फ नीचे झुको, नीचे झुक जाओ। रुक जाओ, तुम ठीक हो? ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? ठीक है, नीचे ही रहना, और नीचे झुको। सीट के नीचे देखो, क्या है वहाँ? इन कमीनों के पास भी गन्स हैं। नीचे छुप कर ही बैग चेक करो। हाँ, कर रही हूँ। ठीक है, मुझे मिल गई। ओह गॉड, मेव, क्या तुम ठीक हो? हाँ। बात है, तुमने मार दिया उन्हें। मुझे गन से नफरत है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे चला नहीं सकती। आह, शिट। एक बार फिर से। खत्म कर दिया। इस गियर बॉक्स को क्या हो गया? इसलिए मुझे कार चलानी अच्छी नहीं लगती। गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही है। फिर तुम उसे रोको भी मत। क्या? तुम रोको मत, उसे चलाते रहो। हमें उनका सामना करना होगा। hmm.
हेनरी, हेनरी ये तुम हो? मेरी मदद करो। इसका फ्यूल पंप लीक हो गया है, कार ब्लास्ट होने वाली है। चलो, चलो। बच्ची, वादा करो तुम्हें उसे रोकना होगा, तुम्हारे भाई को। ये जरूरी है। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि अब हमारे पास आगे जाने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छी खबर यह है कि दारू बच गई है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पापा हमेशा यही कहते थे और मैथ्यू और मैं उस पर हंसते थे। हमारे हंसने से पापा नाराज हो जाते। इन सारे चक्करों में अब मैं वापस नहीं आना चाहता। क्या यही खोज के खेल में ब्लैक स्वान स्पेन वालों को मिल चुका है? मुझे 4 साल अच्छे काम के लिए जेल हुई थी, अब उस नामुराद जेल में वापस नहीं जाना चाहता। तो फिर तुम यहां क्यों हो? जैसे तुम्हारा सोचना है वैसे ही मेरा भी इतिहास बनाना है। उसके साथ जो भी रहस्य हो उसे ढूंढेंगे और तब जानेंगे कि अभी कुछ और भी है जो ढूंढना बाकी है। ये सोने के सिक्के हमें मिलने वाले थे, पर उससे पहले स्पेनिश चुरा ले गया जिसे फ्रांसिस डीक ने छुआ था। हे, हम जीत जाएंगे। अब आगे तुम क्या करने वाले हो बता सकते हो मुझे? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तो सोच रहा हूं कि कल तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ाऊं। ये इतना भी आसान नहीं है जैक जितना कि तुम सोच रहे हो। तो फिर मैं तुम्हें अपने कमरे में छोड़ देता हूं। मैं जानती हूं और तुम आगे क्या करने वाले हो। मैं तुम्हारे सारे कपड़े निकाल दूं? जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। तुम्हें अपनी उंगलियों से छूना चाहता हूं मैं। मैंने कहा ना तुमसे, जो मर्जी वो करो। मैं तुम्हें थोड़ा सा प्यार कर सकता हूं? तुम्हें ठीक लगे तो तुम वो भी कर सकते हो। Mm-hmm.
तुम्हारे रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम अच्छी सीईओ बन सकती हो। अच्छा, देखते हैं आगे क्या होता है। वालेकुम। थोड़ा आराम करने के लिए प्रोफेसर के घर चलते हैं, वो स्विट्जरलैंड के लिए फ्लाइट करा देंगी। हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। वो खुद एक आर्कियोलॉजिस्ट है, सोने के लिए हमें वो कभी धोखा नहीं देगी और वो अपने काम में कभी भी लालच नहीं करती। मुझे खुशी है कि तुम दोनों बच गए। मुझे एक सिगरेट चाहिए। तुम स्मोक करती हो? अगर मैं अपने पापा की कंपनी बर्बाद कर सकती हूं तो ये भी कर ही सकती हूं। शर्म की बात है कि तुमने पहले ही हार मान ली। जब से तुमने मुझे बताया है कि सोना ड्रेक के पास है, तब मैंने कुछ रिसर्च की। मुझे पता है तुम्हारे भाई ने सोना कहाँ छुपाया है। कैसे? एडम के पास बहुत ही जगह है जहाँ वो सोना छुपा सकता है, और अगर वो उसे बेचना चाहेगा तो कहीं भी बेच सकता है। मेरी बच्ची, क्या तुम्हें कुछ पता भी है? इतिहास खुद को दोहराता है। समुद्र के किनारे सब कुछ मिलने की कोई गारंटी नहीं है। वो अपनी खोज पर टैक्स नहीं लगा सकता, पर एक सच्चा इतिहासकार तुम्हारे भाई जैसा सिर्फ इतने से ही खुश नहीं हो सकता। ड्रेक कैनरी आइलैंड जाना चाहता था पर उनकी मौत हो गई। तो आप कह रही हैं कि मैथ्यू पागल हो चुका है, जो ड्रेक नहीं कर सका वो हम करने की कोशिश करेंगे। इसे ही पागलपन कहते हैं। वेल, मैथ्यू के लिए इस सब का कोई मोल नहीं है। अब मैंने अपना मन बना लिया है। मुझे स्विट्जरलैंड की टिकट चाहिए। मैं वहां अपना आईडी दिखाऊंगी और वो पत्रिका कस्टडी से वापस ले लूंगी। बस हो गया फैसला। देखो, तुम इस तरह फैसला लोगी तो तुम जानती हो मैं कितना गलत था, पर तुमने मुझे समझाया कि हम इतिहास बना सकते हैं। इस जनरेशन की सबसे बड़ी खोज हम करेंगे। किंग टट्स के मकबरे से भी ज्यादा सोना हम खोजेंगे। जैक, तुम यहाँ हो क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। हाँ, हो सकता है, पर अब बात पैसे से बढ़कर है। मेव, तुम्हारे पास खोने को क्या है? तुम अपने भाई के खिलाफ जाओ और बताओ कि ये खोज तुमने की थी। नहीं, अगर तुमने अपने आप को छूट दी तो वो तुम्हारी मेहनत बर्बाद करके सब कुछ खत्म कर देगा। ये आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी खोज बुद्ध ऑफ बामियान की तरह बुरी तरह बर्बाद हो जाएगी। एक स्वार्थी इंसान की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास मिट जाएगा। मतलब हम खजाना ढूंढने कैनरी आइलैंड जाएंगे, उसके बाद क्या? मैथ्यू के आदमियों द्वारा हम मार दिए जाएंगे। बेवकूफों वाली बातें मत करो, हम वहां अकेले नहीं जाएंगे। तुम्हें पता है ना, मेरे पास तुम्हें स्विट्जरलैंड छोड़ने का काफी वक्त है। मैं अपनी बाइक लेता हूँ और इस हेलीकॉप्टर से आगे निकल जाएंगे। हम जीत जाएंगे। नहीं, पहले मेरे भाई से मिलेंगे। वहां वो चट्टान देख रहे हो? कासल ठीक उसके पीछे है। आप यहाँ पहले भी आ चुकी हैं। मुझे माफ कर दो जैक, हर इंसान की एक कीमत होती है। प्रोफेसर, तुम मैथ्यू के लिए काम करती हो? हाँ, मैं मैथ्यूज के लिए काम करती हूँ। देखिए, मैंने आप पर विश्वास किया था। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, पर तुम हमारे लिए बेकार हो। तुम्हें सबक सिखाने वापस आऊंगा।
अगर वो बचा भी होगा तो समंदर उसे निगल जाएगा और शाप को उसके खून की महक आ गई होगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा? पर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाकर फंसना नहीं चाहता। आखिर ये चोट तुम्हें कैसे लगी? ये चोट चाकू की है। चलो देखते हैं चाकू में कितना दम है। ये तो बुलेट है। मुझे जाना है। मुझे कैसे जाना है? नहीं, आज की रात तुम कहीं नहीं जा सकते। मुझे ज्वाइन करने के लिए थैंक्स। तुम पागल हो। तुम यहाँ आना नहीं चाहती थी क्या? तुमने अपने खजाने को चुराने के लिए एक भाड़े के टट्टू को हायर किया। ये मेरा सोना है। ड्रेक का सोना। ड्रेक, 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 अपने दिल की आवाज सुनो। तुम पागल हो चुके हो और बस इसीलिए हम आज यहाँ हैं, इस कैसल में। हाँ, हम यहाँ पर हैं क्योंकि तुमने समझने में बहुत वक्त लगा दिया कि हम एक इंटरनेशनल कंपनी चला रहे हैं जिसका काम है खोज करना, और यही हमारी कंपटीशन है। हमारे पापा ने इस जगह को सोने की कालाबाजारी के लिए सालों तक इस्तेमाल किया है। तुम जानती हो हमें ऐसी जिंदगी क्यों मिली है? तुमने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी खोज में निकाल दी सिर्फ चंद पैसों के लिए। उसके बाद क्या बंटवारा करोगी तुम? पापा के बारे में ये सब मत कहो। वो एक बेस्ट साइंटिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, जैसा कि हम सब जानते हैं। हमारे पापा क्रिमिनल थे। ऐसा काम क्रिमिनल लोग ही करते हैं। मैं उनके कदमों पर चल रहा हूं क्योंकि किसी ना किसी को तो फैमिली बिजनेस संभालना ही होगा। माना कि पापा से गलती हुई पर वो कोई कातिल नहीं थे। तुम्हें क्या लगता है हम ये सारी घटनाएं वेस्टर्न सहारा को रिपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये सारी चीजें स्पेन और फ्रांस को बताएंगे तो वो ये सोना ले लेंगे और हम खुद का अधिकार नहीं जता पाएंगे। और मैं ऐसे घटिया कानून को नहीं मानता मेव। मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। तुम कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हो, तुम एक पागल इंसान हो। और मैं बहुत बड़ी बेवकूफ होंगी अगर तुम्हें ये सब हासिल करके यहाँ से भागने दूँ। अगर ऐसी बात है तो हमारे पापा की पत्रिका को कौन छुड़ाएगा? तुम्हें जो कर रहा हूँ उसे करने दो। कभी नहीं। कभी नहीं? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कंट्रोल कर पाओगी? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि मुझे कोड जानना था ताकि मैं उसे जला सकूं। इसे अंदर ले जाओ। गुड मॉर्निंग, आज का दिन बहुत खूबसूरत है। अब उठ जाओ, उठ जाओ। कल रात तुम कैसल जाने की बात कर रहे थे। कौन से? कैनरी आइलैंड में बहुत से कैसल हैं। ड्रेक। यहाँ तीन कैसल्स हैं, कस्टिलो दे सेंट जुआन बतिस्ता, कस्टिलो दे सेंट क्रिस्टोबाल, कस्टिलो सैन एंड्रेस। इनमें किस में? नहीं, वो अलग ही था।
ट्रेसोरो का खजाना। तुम्हारा मतलब कस्टिलो डे ला मोर्टेस? वहां कोई नहीं जाता, कोई नहीं, टूरिस्ट भी नहीं। हाँ, क्योंकि वहां विस्फोटक की धांधली की हुई है। ये तो कमाल है, तो तुम खजाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, बेवकूफ कहीं के। अब ये काम नहीं करेगी। अब ये काम करेगी। मुझे कोड बता दो मेव, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं इस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी खोज कंपनी बनाऊंगा। बचपन में पापा हमें ऐसी जगहों पर लेकर आते थे, हम ढूंढने का खेल खेलते थे। तुम्हें याद है जब मुझे वो नीला ग्लास का टुकड़ा मिला था और तुमने कहा था कि वो खजाना है? तुम बहुत अच्छे भाई थे। अब क्या हो गया? वो काफी अच्छे दिन थे। तुम्हें मदद की जरूरत है मैथ्यू। जब ये बंद होगा उस दिन हमारा काम शुरू होगा, फिर हम प्राचीन सभ्यता की खोज करेंगे। असली खोज वही होगी, वरना दुनिया में इसके बारे में कोई नहीं जान पाएगा। बस बहुत हुआ, मुझे वो कोड चाहिए। क्यों? ताकि तुम उसे बर्बाद कर सको, जैसा कि तुमने नोर, हेनरी और जैक के साथ किया। या दुबई में वो तुम्हारी रखेल जिसे नशा देकर तुमने मार दिया, उसे तो पता भी नहीं था कि तुम हो कौन। बस बंद करो। तुम हमेशा से एक राजकुमारी थी, पता नहीं तुम साइंटिस्ट क्यों बनी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें यही दफन कर दूंगा। मैं तुम्हारी बहन हूं और मैं सीईओ हूं। ड्रेक मेरी किस्मत है, और अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मेरी प्यारी बहना, मुझे कोड बताओ और जिंदा चली जाओ। शूट कर दो, फिर हम एक साथ मरेंगे। तुम मौत के मुंह से वापस आ गए, मैं इस बात से काफी इंप्रेस्ड हूं। तुम्हें इस जगह का इतिहास पता नहीं मैथ्यू? ड्रेक ने इसे कुछ ऐसे बनाया था, उसने दीवारों पर बारूद लगाया हुआ था। सिर्फ यही तरीका था जिससे वो अपने खजाने को स्पैनिश लोगों से बचा सकता था। तुम जानते हो मैंने ट्रिगर पकड़ कर रखा है। मैं यकीन नहीं करता, बारूद अब भी महक रहा है। क्या बकवास है, कासल को ढूंढो। कोई नहीं हिलेगा, तुमने धोखा दिया। आजमा लो मुझे। ओके जैक, अपने चारों तरफ देखो, जो तुम ढूंढ रहे हो वो सब यहां है। स्पेनिश लोगों को बचाने के लिए ड्रेक ने मुझे जिम्मेदारी दी थी। कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट 400 साल की मेहनत के बाद भी तुम्हारी जगह पर नहीं आ पाएगा।
क्या तुम ये सब बर्बाद करना चाहते हो? कम से कम तो मेव को तो नहीं मारोगे। तुम्हें पता है तुम सही हो मैथ्यू, भाड़े के टट्टू और कमीनों में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों को वही चाहिए जो उनका कभी होता ही नहीं। मुझे गोली लगी है। हमें निकलना होगा, चलो। जैक, इसमें कोई स्विच या ट्रिगर नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म, मैं मेव को जिंदा छोड़ दूंगा। ओके, ये बड़ी मजेदार बात है कि तुम मरने जा रहे हो और तुम्हारे पास एंटीक चीज है। मुझे तुम्हारी गन मिल गई। गुड बाय जैक। नो, दुख ड्रेक, कई कहानियां मशहूर हैं ड्रेक के बारे में, और वो सभी बहुत अच्छी हैं, सच में। सबसे अच्छी है कि वो कैसे मरा था, अकेलेपन में, बीमारी से। उसके शरीर ने ही उसे अंदर से बाहर तक खा लिया। वो दुनिया का महान आदमी था, सारे साम्राज्य के राजा ने अपना फाइनल मिशन पूरा नहीं किया, वो अधूरा रहा।
खुशी है कि मैं ये सारा इनकन का खजाना उसकी सही जगह पर रू को वापस कर रही हूँ। इस खजाने ने इनका की सुरंगों से होते हुए बहुत बड़ी यात्रा की है। इसमें कुछ लोगों ने मेरी बहुत मदद की। ड्रेक के जहाज को भी रोका गया और फाइनली वो कस्टिलो दे मुरेतो पहुंच गया। ये खजाना बहुत ही अनमोल और अद्भुत है, मेरे लिए, मेरे फादर के लिए और मेरे भाई के लिए। इसे आपको लौटाते हुए मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, जो इसके सही हकदार हैं। मेरे लिए ये सच में एक अद्भुत सफर था। थैंक यू। आपने सच में बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हमें सच में बहुत मजा आया। थैंक यू। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कांग्रेचुलेशंस। हेलो। थैंक यू। आज तुम सही वक्त पर आ गए, जबकि हमेशा तुम लेट आते हो। मैं उसे देखना चाहता हूँ जिसकी वजह से ये सब हुआ। वो चैन के राजवंश हैं। मुझे लगता है तुम इस खेल से बाहर हो गए हो। तुम अपना वादा भूल रही हो। अब मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तुमने कहा था ना कि तुम अकेले काम करते हो। अच्छा, ऐसा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। अगले वीकेंड 4 दिन के लिए चले कहीं। मुझे तो ये बहुत महंगा लगता है। एक बार फिर से सफर के लिए निकले, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। क्या बात है, तुम इसे फ्रेंच में कैसे कहोगी?